फाइबर कार्बन फाइबर कार्बन फाइबर। अरे भाई कार्बन फाइबर तो बहुत अच्छी चीज है, किस रेजिन में उसको बनाया गया था, इस कंपाउंड के साथ उसको मिक्स किया गया, उसकी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बाहर से प्रेशर आ रहा था। और यही कार्बन फाइबर अगर आप टेंशन वाले जैसे अंदर में अगर आप गैस भर रहे हैं तब तो ये बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 शाम के 5 बजते एक न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक सबमर्सिबल टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए कुछ टूरिस्ट को लेकर गया और वो गायब हो गया, और इसकी खोजबीन पूरे वर्ल्ड स्तर पे शुरू की गई। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है, तो अगर और भी बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में लेना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियो अच्छे यूट्यूबर्स ने बनाए हैं, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा घटना के बारे में ब्रीफ में चर्चा करेंगे और इसके टेक्निकलिटीज के बारे में थोड़ा ज्यादा चर्चा करेंगे। टाइटैनिक का मलबा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि टाइटैनिक एक मूवी थी जो बहुत साल पहले बहुत ही सुपर हिट हुई थी, और उस मूवी की वजह से जनरल लोगों के अंदर टाइटैनिक से रिलेटेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा तेजी से जाग गया। और आजकल जो एडवेंचरस टूर जो बन रहे हैं जिसमें लोग अब जैसे एलन मस्क है वो बता रहे हैं कि हम आपको स्पेस में आपको टूर करा के लेके आ सकते हैं, उस पे वो काम कर रहे हैं। उसी का ये छोटा वर्जन था कि टाइटैनिक जो है समंदर से करीब करीब 4000 मीटर नीचे उसका मलबा पड़ा है, उसका रेक पड़ा है, उसको देखने में लोगों की आजकल इंटरेस्ट जाग गई है। और ये जो ले जाने का घुमाने का जो काम कर रहा था मतलब अभी पता नहीं आगे वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अब तक वो कर रहे थे, उस कंपनी का नाम था ओसिन गेट, और उस पर खुद सीईओ भी उसी सबमर्सिबल के अंदर बैठे हुए थे, और वो सबमर्सिबल अंदर गया, एक डेढ़ घंटे के बाद उसका कनेक्शन टूट गया। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि सबमर्सिबल क्या होता है। सबसे पहले मैं टाइटैनिक का थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताता हूँ। टाइटैनिक को बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, उस समय तक जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी सब कुछ उसमें डाल दिया गया था, और बोला जा रहा था कि टाइटैनिक अभी सिंक नहीं हो सकता। तो टाइटैनिक जो है 10 अप्रैल यानी 10 अप्रैल 1912 में 1912 को एक ब्रिटेन में एक सिटी है साउथहैम्पटन करके, टाइटैनिक को जाना था साउथहैम्पटन, ब्रिटेन में एक सिटी है जिससे न्यूयॉर्क, ठीक है, और उसकी दूरी करीब करीब आप मान के चलिए 5000 किलोमीटर के आसपास होगा, इतना ट्रेवल करना था। और उसको बोला जा रहा था कि वो उसमें कभी वो डूब नहीं सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ क्या कि रास्ते में करीब करीब 2000-3000 किलोमीटर 3800 किलोमीटर जाने के बाद रास्ते में वो आइसबर्ग से टकराया और वहीं पे सिंक हो गया। 1912 में सिंक हो गया, कहानी खत्म हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए, और इसके बारे में ज्यादा बताने की बात है नहीं क्योंकि आपको सबको पता है। उसके बाद क्या हुआ कि इसको देखने के लिए एक सबमर्सिबल उसे कहते हैं जिसको पानी में समुद्र सी वाटर में डुबाया जा सके, सबमर्ज किया जा सके, जैसे हमारे पास एक होता है सबमर्सिबल पंप, तो उसको भी वो सबमर्सिबल पंप जो होता है वो पानी के अंदर जाके और वहां से वो पानी को खींचता है। तो उसी तरह ये सबमर्सिबल था जिसके अंदर कुछ लोग बैठ के अंदर सिंक हो सकते हैं, सबमर्ज हो सकते हैं पानी के अंदर। लेकिन सबमर्सिबल क्या होता है, ये बहुत छोटा सा यूनिट होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मोटर वोटर ये लगा नहीं सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी और इसके सराउंडिंग में मूव करने की कैपेबिलिटी जो है बहुत लिमिटेड होती है। तो इसको हमेशा किसी एक मदरशिप के साथ ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं दूर जाना है कहीं घूमने के लिए, अब थोड़ा सा इसको ऐसा समझ लीजिए कि मदरशिप का रोल क्या होता है। अगर हमें मान लीजिए कहीं रेगिस्तान में घूमने जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले किसी अपने व्हीकल से जाएंगे जहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि कोई हमने वो ले लिया कोई बड़ा व्हीकल, कोई कार ले लिया, कार के ऊपर हमने एक साइकिल रख ली, तो जहाँ तक रोड जाएगा और लंबी दूरी तय करनी है तो हम कार से पहुँच जाएंगे। और जहाँ पे भी कोई अगर कोई हमें पॉइंट स्पॉट देखना है, मान लीजिए कि वो रोड से 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ रोड रास्ता नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे उससे नियरेस्ट रोड लोकेशन पे हम अपने कार को रोकेंगे, फिर साइकिल उतारेंगे और साइकिल से हम जाके वहां पे उस चीज को देख के आ जाएंगे, है ना। तो जो हमारा कार हुआ वो दैट इज लाइक ए मदरशिप, और जो हमारा साइकिल हो गया वो हो गया सबमर्सिबल। तो इसी तरह का फंडा जो है हम लोग स्पेसशिप में भी करते हैं कि हमें चांद पे उतरना है, तो उसमें भी दो टाइप का सैटेलाइट होता है,
एक होता है जो चक्कर लगाता है, दूसरा जो उसका टुकड़ा जाता है, तो उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। तो इस मदरशिप का नाम है प्रिंस, ये मदरशिप वहां पे है और ये सबमर्सिबल का कनेक्शन इसी से है, सबमर्सिबल को लाद के वहां ले जाया गया, वहां से उसको सिंक कर दिया गया और उसके बीच कुछ कनेक्शन है जो कि कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन कुछ घंटों बाद टूट जाता है और स्पेसशिप गायब हो जाती है। बाद में पता चलता है कि स्पेसशिप जो हमारा सबमर्सिबल है वो इम्प्लोड कर गया, एक्सप्लोड नहीं किया, इम्प्लोड किया। एक्सप्लोड बाहर की तरफ होता है, इम्प्लोड अंदर की तरफ होता है। तो इस पे भी हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यही है, देखिए यही मलबा देखने के लोग गए थे। आई डोंट नो कि ये रियल इमेज है या ये कोई फेक इमेज है या कोई आर्टिस्टिक इमेज है, इंटरनेट से मिला है। तो अगर ये रियल है तो यही मलबा को देखने के लिए लोग अंदर उतर रहे हैं, उतरते हैं। पहले जब मूवी बनाई गई थी उस समय भी जो इसके डायरेक्टर थे इसको देखने के लिए गए थे, लेकिन वो कन्वेंशनल सबमर्सिबल में गए थे, सबमरीन में बैठ के गए थे। ये जो था सबमर्सिबल था और वो कार्बन फाइबर का बना हुआ था, शायद यही कारण है कि वो गायब हो गया और वो इंक्लूड हो गया। तो ये मलबा था। अब इसमें गए कौन कौन से लोग थे, चलिए जितने भी चार लोग जो आपको दिख रहे हैं, तो ये लोग अपनी जिंदगी के काफी साल तो गुजार चुके थे। सबसे ज्यादा दुखद ये है कि 19 साल का लड़का भी इस सबमर्सिबल पे सवार था और ये बहुत ही दुखद ये है। और ये जो है शहजादा दाऊद का बेटा है जिसकी उम्र है 19 साल और ये मना भी कर रहा था कि मुझे नहीं जाना पापा, मुझे डर लग रहा है, लेकिन इसको शायद पापा का मन रखने के लिए ये भी साथ में चला गया तो इसकी भी डेथ हो गई। ये जो है स्टंटन रस हैं जो कि ओसिन के जो इस पूरे टूर को ऑर्गेनाइज कर रहा था उसके सीईओ हैं, सीईओ थे, तो ये भी थे उसी में सवार, ये दोनों थे। उसके बाद दो लोग और थे, पॉल हेनरी और हैमिस हार्डी। तो ये तो जो थे कि एज ए गाइड ये पहले बहुत बार जा चुके हैं, 35 ड्राइव उन्होंने ऑलरेडी टाइटेनिक रेक का लगा चुके थे, तो ये गए थे ये बाकी लोगों को बताने के लिए एज ए गाइड, समझ लीजिए इनका इंटरेस्ट ये था। और ये थे ब्रिटिश बिजनेसमैन। और ये दो लोग जो बाप बेटा हैं ये पाकिस्तान से रिलेशन रखते हैं, थे तो आई थिंक ब्रिटेन के इनका सिटीजन होगा, ब्रिटिश और पाकिस्तानी, तो इनका रूट होगा पाकिस्तान से। तो ये दो बाप बेटे थे और बाकी के ये तीन लोग और थे, तो टोटल जो है पांच लोग जो है इसमें सवार थे जिनका इंटरेस्ट था ये रेक देखने का और इनके साथ ये दुर्घटना घट गई है। अब देखिए थोड़ा सा हम सबमर्सिबल पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबमर्सिबल में चूंकि ये बहुत ही बेसिक टाइप का सबमर्सिबल था, इसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, चार पांच आदमी अंदर बैठे, छोटा सा सेल था जिसकी साइजिंग अगर देखे तो 6.7 मीटर ये लंबा था और इसकी डायमीटर जो थी 2.4 मीटर डायमीटर थी इसकी, ठीक है। इसमें जो अंदर बैठने वाला जो है जगह वो सिर्फ इतना ही है, इसके बाहर जो है इसका टेल जो है कुछ अदर पर्पस नेविगेशन पर्पस से लगाए गए थे या इसके और भी कुछ टेक्निकल कारण होंगे। इस पूरे सबमरीन का जो सबमर्सिबल का वेट जो है 10,432 केजी था, यानी 10.5 टन मान के चलिए। 6.7 लेंथ है, 2.5 मीटर इसकी हाइट है या डायमीटर है, स्पीड जो चल सकता था 5.6 किलोमीटर पर आवर। फेलियर क्यों हुआ, देखिए इसका थोड़ा बनावट पर चर्चा करते हैं। इसमें दो पार्ट थे, एक तो ये था कि इसमें हल था, प्रेशर हल जिसको कहते हैं, जिसमें एक सर्कुलर सिलेंडर है मान लीजिए और इस पे दोनों तरफ से ये कैप लगा हुआ है, एक तरफ से ये कैप है और पीछे से ये कैप लगा हुआ है और बीच में एक सिलेंडर है ना, जैसे ये सिलेंडर है इसके इधर से कैप लगा दिया, इधर से कैप लगा दिया। जो इसके कैप थे ये टाइटेनियम के बने हुए थे, तो ये बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल के थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। और ये बना था कार्बन फाइबर का और ये भी टाइटेनियम का था और बाकी ये इधर और किसी मटेरियल का होगा जिसपे इतना प्रेशर नहीं होगा, तो ये बर्स्ट नहीं किया है, इसी में आपका इंक्लोजन हुआ है। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर था, यही सबमर्सिबल था जो कि नीचे गया। इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल थ्रस्ट भी लगे हुए थे, थ्रोटल जिसको थ्रोटल बोलते हैं, जो इसको कहीं नेविगेट करना है आगे पीछे जाने के लिए तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मोटर कह सकते हैं, दो तीन इसमें लगे हुए थे, तो दो साइड में और एक ऊपर। अब देखिए वो कितना नीचे जाना था, उसको जाना था 4000 मीटर नीचे, 4000 मीटर। अब ये 4000 मीटर हो गया 4 किलोमीटर,
अगर आप में से बहुत सारे लोग जो टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी तो उनको पता है कि जब हम पानी के अंदर जाते हैं, अगर पानी का लेयर है, अगर हम इसके नीचे एच हाइट जाते हैं तो गामा एच इसमें जो है प्रेशर लगता है। तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे एच बढ़ता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर क्या होता है कि किसी भी पॉइंट को अगर हम लेंगे तो पानी उस पर चारों तरफ से माने ऑल अराउंड फोर्स लगाता है और सब तरफ से उसको उस पॉइंट पर फोर्स लगेगा। और होता क्या है कि चारों तरफ से फोर्स एक ही पॉइंट पर लगने की वजह से नेट फोर्स उसका जीरो हो जाता है और अल्टीमेटली कोई उसमें मोशन नहीं होता बट उसमें प्रेशर होता है। तो जब हमने पानी के अंदर इसको हमारा सबमर्सिबल गया तो मान लीजिए ये सबमर्सिबल है तो इस पे इधर से ऐसे करके सारा फोर्स प्रेशर लग रहा है, पानी इसके अंदर लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 4000 × d इसका डेंसिटी, डेंसिटी होता है 10.3 समंदर सी के वाटर का। पानी का नॉर्मल पानी का डेंसिटी 10 होता है, सलाइन वाटर या सी वाटर का 10.3 हो जाता है क्योंकि उसमें नमक मिला होता है तो वो थोड़ी सी डेंसिटी पानी से उसकी ज्यादा होती है। तो ज्यादा पानी होने के कारण फोर्स भी पानी से ज्यादा लगाता है। एक हम कंपेरिजन अगर करें, हमने छोटा सा कैलकुलेशन किया था कि अगर आदमी जब खड़ा रहता है, जब आदमी खड़ा रहता है तो फीट के जस्ट नीचे जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर है 3500 kg/m² का, जिसको अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर में मेजर करें तो 0.35 atm होता है। उसी तरह अगर एलिफेंट लेग के नीचे 43000 kg/m² का प्रेशर आता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि हाथी का वजन बहुत ज्यादा है, करीब 5 टन होता है और उसका जो लेग होते हैं 4 लेग उसका एरिया काफी कम हो जाता है। इसलिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो ये ज्यादा होती है, ये भी बदलेगा ना, आई थिंक ये डाटा गलत है, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। उसी तरह अगर कार टायर के नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो ये होगा 22750 kg/m², ये भी काफी ज्यादा है। और अगर एटीएम में देखें तो 2.275 atm। तो कार जो है उसके नीचे इतना प्रेशर होता है और बिल्डिंग फाउंडेशन के नीचे होता है 50000 kg/m². तो अगर एक पूरी बिल्डिंग है उसके नीचे इतना प्रेशर है और ये जहां गया था वहां पे कितना प्रेशर था? 10 लाख 41,20,000 kg। बिल्डिंग फाउंडेशन 50,000 kg, इसके पास जहां 4,000 नीचे जाएंगे 41 लाख। अब देखिए इसके डिजाइन का क्या चैलेंज है? इसके डिजाइन का चैलेंज यही है, ये सेल है, डिजाइन चैलेंज समझिए। इसके अंदर कुछ लोगों को बैठाना है ना, बैठ के कुछ लोग जाएंगे, ये लोग जिंदा इतने 40 लाख जो kg/m² प्रेशर तो कोई इंसान तो झेल ही नहीं सकता, तुरंत ही कोलैप्स हो जाएगा। तो सेल जो है, सेल का डिजाइन चैलेंज क्या है कि अंदर का जो प्रेशर जो है वो अंदर का प्रेशर लगभग 1 atm ही रहे, है ना, 1 atm ही रहे, क्योंकि आदमी को जिंदा रखना है, आदमी उसमें बैठा है तो उनका प्रेशर जो है 1 atm ही होना चाहिए। अगर एटीएम में हम देखना चाहें तो कितना एटीएम है? 412 atm, बाहर से प्रेशर है 412 atm। यानी इस सेल को इतना मजबूत बनाना है कि इस प्रेशर को अंदर ट्रांसफर ना करके वो अपने स्ट्रेस स्ट्रेन में झेल जाए और अंदर में प्रेशर ना बढ़ने दे। अंदर में तो बहुत कम प्रेशर है। देखिए सबमर्सिबल में ना 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सबमर्सिबल होता है। एक होता है जिसमें ये वाला है जिसमें अंदर का प्रेशर 180 atm, जिसमें ह्यूमन अंदर बैठ के जाएंगे, अंदर बहुत ज्यादा गहरे में जाएंगे और बाहर में जो है जो भी डेप्थ के हिसाब से जो प्रेशर होगा वो होगा। और दूसरा जो एक होता है जिसमें अंदर और बाहर सेम प्रेशर होते हैं, मतलब अंदर में भी बहुत हाई प्रेशर पे गैस भर देते हैं, लेकिन ऐसे सबमर्सिबल में इंसान नहीं जा सकते हैं। तो अगर इंसान अगर उसमें गैस भर के जाएंगे तो इंसान तो जा नहीं सकते, तो किसी और पर्पस के लिए अगर कोई इक्विपमेंट भेजना है या कुछ ऐसा चीज भेजना है अंदर जो कि उतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके तो उसके लिए ये वाला सबमर्सिबल यूज कर सकते हैं। और तीसरे तरह का सबमर्सिबल ये होता है जिसमें पानी भी अंदर चला जाता है, ठीक है।
तो पानी भी अंदर होता है बाहर भी होता है, तो अंदर बाहर प्रेशर बराबर हो गया तो फिर सेल पे इतना स्ट्रेस नहीं आता है। इसमें अगर कोई ह्यूमन जाएगा तो वो पूरा जो डाइविंग सूट है वो पहन के जाएगा ऑक्सीजन वगैरह लेके, वो एक तरह से डाइविंग की तरह ही जाएगा, वो सीधा ऐसे नहीं जाएगा जैसे इसमें लोग बैठ के गए थे। उसके बाद इन दोनों में लिमिटेशन है डेप्थ की, ये बहुत ज्यादा डेप्थ तक नीचे नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन भी बैठा हुआ है, अगर 180 है, अगर मान लीजिए कि हमने इसमें पानी अंदर जाने दिया तो अगर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसका भी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इंसान की अगर उसमें इंसान बैठा है उसका सूट वूट पहना है तो कितने डेप्थ तक का सूटेबल है उतना ही डेप्थ उसमें हम लोग बैठा के भेज सकते हैं, उससे ज्यादा अगर उसको भेजेंगे तो फिर वो सूटेबल नहीं रहेगा। ये वाला जो था वो पहला टाइप का था जिसमें अंदर में 180 प्रेशर और बाहर में तो जो प्रेशर आपको 412 एटीएम हमने बता ही दिया। अब ये जो बात है, मैंने देखा कुछ वीडियो जो बहुत ही रेनॉन्ड यूट्यूबर हैं उनके चैनल पे ये थोड़ी सी ये मिस्टेक की गई थी, तो आप जरा जाके इस चीज को सुधार कर लीजिए। ये अंदर में सिंस ह्यूमन बॉडी है तो इसमें हम हाई प्रेशर में, उन्होंने बताया था कि बहुत हाई प्रेशर में गैस होता है और ये बैलेंस होता है, वो कुछ चीजें बताई थी तो शायद ये वो चीजें ठीक नहीं थी। अंदर में 180 प्रेशर होगा, बाहर में 412, और जो भी ये बीच का जो गैप है उसको झेलने के लिए सेल है, सेल के अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो उसको बर्दाश्त कर पाए, इस हिसाब से उसको डिजाइन करनी चाहिए थी। लेकिन जो ये सबमर्सिबल था, चूंकि इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था तो ये अपने जो इसका मंजिल था उस पर पहुंचने के 400-500 मीटर पहले ही इसका ब्लास्ट हो गया या इम्प्लोड हो गया, शायद इसका कोई जानकारी हमारे पास है नहीं पूरी, किसी के पास भी नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, लेकिन सिंस वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर था तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो इम्प्लोड हो गया होगा, और इम्प्लोजन में सिर्फ 20 मिलीसेकंड लग गया, ऐसा न्यूज आ रहा है कि 20 मिलीसेकंड के अंदर ही इम्प्लोड हुआ और सारे लोग इतना जल्दी पेनलेस मौत से, पेनलेस डेथ उनको मिल गई। तो ये घटना हुई थी, और ये घटना क्यों हुई, देखिए सबमर्सिबल अंदर पहले भी गए हैं और टाइटैनिक के मलबरेक देखने के लिए पहले भी लोग जा चुके हैं, लेकिन वो लोग स्टील से बने हुए सबमरीन में या सबमर्सिबल में गए हैं। देखिए एक सबमरीन टर्म होता है, एक सबमर्सिबल होता है। सबमर्सिबल आजकल बहुत फेमस हो रहा है क्योंकि पहले इतना ज्यादा यूज में नहीं आता था, सबमरीन सभी जानते हैं। तो सबमरीन जो होता है उसमें सारे इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ होते हैं, वो सेल्फ ड्राइव करता है, बहुत दूर दूर तक जा सकता है, पानी के अंदर बहुत दूर देर देर तक रह सकता है, तो उसको सबमरीन कहते हैं। और ये जो होता है सबमर्सिबल एक छोटा सा है जो कि बहुत सारे गुण इसमें सबमरीन वाले होते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं जा सकता है, लंबा ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो इसके लिए एक मदरशिप चाहिए, वो मदरशिप जहां रुकेगी और उसके आसपास का मुआयना करना है, उसके आसपास कहीं देख रेख करना है, तो उसके लिए वो यूज होता है। मेन जो कारण था गिरने का जो समझा जा रहा है अभी तक, क्योंकि अभी तक कोई भी एक्सपेरिमेंटेड फुल प्रूफ डिजाइन कार्बन फाइबर का ऐसे कामों में लिया जा नहीं गया था, ये पहला था और ये भी प्रोटोटाइप ही, इसको समझिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही उसको भेजा गया था। और इनके जो सीईओ थे उन्होंने सीधे सबको बोला भी था कि मैंने बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए हैं, क्योंकि सेफ्टी जो है एक टाइम के बाद वो बर्डन हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है। तो बीच का जो सेल बना हुआ था कार्बन फाइबर का बना हुआ था, मैं कार्बन फाइबर थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। कार्बन फाइबर में कार्बन का बहुत ही महीन रेशे होते हैं, कार्बन के बहुत ही पतले पतले फिलामेंट उसको कहिए, और जो हमारे ह्यूमन हेयर है ना उससे भी 100 times थिनर होता है। तो 100 times थिनर का पहले हम लोग बनाते हैं फैब्रिक, देखिए ये जो दिख रहा है ना नीचे, ये कार्बन फाइबर का फैब्रिक बना है। और फैब्रिक क्या है, वो लचीला होता है, जैसे कपड़ा है ये नॉर्मल कपड़ा है, ये क्या है, इसको आप किसी भी शेप देना चाहें कोई, ये तो ले नहीं पाएगा, तो कपड़ा है सिंपल, लेकिन इसमें मजबूती हो सकती है, अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये कुछ सस्टेन करेगा। लेकिन कार्बन फाइबर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इवन स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसको कुछ शेप देने के लिए, जैसे कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो उस कॉन्क्रीट में होता है रेनफोर्समेंट, तो रेनफोर्समेंट का भी स्टील है, ऐसे तो आप ऐसे एक आध फीट का पकड़ेंगे तो वो तो बहुत स्ट्रांग दिखेगा, लेकिन अगर 12 मीटर का स्टील रेनफोर्समेंट है तो उसको उठाइएगा तो टेढ़ा मेढ़ा लचीला हो जाएगा, तो किसी काम का होगा नहीं। लेकिन जब वो कंक्रीट के अंदर डलता है तब वो किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, उसको बड़े बड़े बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा की तरह बिल्डिंग बनाया जा सकता है उस रेनफोर्समेंट का यूज करके। उसी तरह
कार्बन फाइबर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको शेप देने के लिए हमें उसमें उसके अंदर तो मजबूती है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करें, तो इस्तेमाल करते हैं इपॉक्सी रेजिन। ये इंडिकेटिव फिगर है, इस तरह का कुछ रेजिन का इस्तेमाल हुआ है। इसमें कौन सा रेजिन इस्तेमाल हुआ है वो मुझे नहीं पता, किसी को भी पता नहीं है, अभी पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। बट जो कार्बन फाइबर बनाने का तरीका जो ये होता है, इपॉक्सी रेजिन होता है। रेजिन क्या है, एक तरह का केमिकल है, चिपचिपा केमिकल होता है, जो कि सेट होने के बाद काफी अच्छा उसकी स्ट्रेंथ होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। बट नेचर में उसकी ब्रिटलनेस ज्यादा होती है, वो थोड़ा ब्रिटल टाइप का होता है, लेकिन वो अकेले जो है उसकी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं होती। अगर रेजिन को ही आप ऐसे सुखा दीजिएगा, जमा दीजिएगा, तो उतना मजबूत नहीं होगा। लेकिन उसको क्या करते हैं कि कार्बन फाइबर पे उसको रेप कर देते हैं। जैसे आप एक कपड़ा लीजिए और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करिए कि इस कपड़ा पे कोई भी ग्लू, जैसे फेविकोल है, फेविकोल इज जस्ट लाइक ए रेजिन, इपॉक्सी रेजिन है, उसको आप लगा दीजिए। आप लगा के उसको जब सुखाएंगे ना, तो कपड़े में एक स्टिफनेस आ जाएगी, वो उसको आप उठा सकते हैं, कोई शेप दे सकते हैं। कि एक बाउल ले लीजिए, बाउल के ऊपर एक कपड़ा रख दीजिए, कपड़े के ऊपर रखने के बाद बाउल के अंदर और बाहर कपड़े के ऊपर फेविकोल बढ़िया से उसमें लगा दीजिए, जैसे ये लगा रहे हैं, और उसको सुखा दीजिए। तो जब वो सूख जाएगा तो वो बाउल का शेप ले लेगा, है ना। अब वो थोड़ी उसकी कम स्ट्रेंथ होगी, उसको और स्ट्रॉन्गर बनाना, क्या करना, फिर एक बार फेविकोल लगाइए, फिर दूसरा कपड़ा लगाइए, फिर उसको सुखाइए। तो इस तरह से आप 3-4 लेयर करेंगे तो काफी मजबूत आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। तो सूखी कपड़े का स्ट्रेंथ का एक लिमिट है, फेविकोल का स्ट्रेंथ का भी लिमिट है। यहां पर जो इपॉक्सी और ये यूज किया गया, काफी स्ट्रॉन्गेस्ट इपॉक्सी यूज किया गया। तो इपॉक्सी और साथ में रेजिन जो कार्बन फाइबर से बना के वो सेल बनाया गया था। लेकिन अभी सिंस ये काम क्या है, ये काम जो है दो चीजों को मिलकर बना हुआ काम है, तो इसमें कहीं ना कहीं वर्कमैनशिप कहीं भी फॉल्ट आ सकता है। आप एक कैलकुलेशन करेंगे कि हाँ भाई इपॉक्सी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना है, कार्बन फाइबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने की जरूरत है अगर आप कार्बन फाइबर यूज कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन फाइबर अकेला कोई मटेरियल है नहीं। जैसे स्टील है, स्टील जो बनता है उसमें क्या होता है, स्टील के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप अरेंज होते हैं, और उनके बीच का जो अरेंजमेंट भी जो है उसको हम बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो सेल्फ ड्रिवन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम हर लेयर बाई लेयर उसमें, अब कभी किसी लेयर में इपॉक्सी कम लग गया, किसी लेयर में इपॉक्सी ज्यादा लग गया, तो उस हिसाब से लेयर बाई लेयर उसकी स्ट्रेंथ कम ज्यादा होगी। लेकिन आप अगर एक फॉर्मूला लगा के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो लेना ही है। लिया भी होगा इन्होंने, लेकिन कितना लिया होगा, मेरे हिसाब से कम इसमें 3 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना चाहिए। स्टील सेल जब प्रेशर वेसल डिजाइन करते हैं उसमें 2 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, लेकिन अगर आप वही 2 या उससे कम अगर आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली है कोई भी प्रोटोटाइप चीज में, तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं किया। तो ये है कार्बन फाइबर जिसका इस्तेमाल किया गया था बीच वाले हल बनाने में। और कार्बन फाइबर में, कार्बन फाइबर की जो स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी गुड। कंप्रेशन में तो कुछ भी नहीं है, जैसे रस्सी है, कितना भी खींच लो बहुत मजबूत होगा, कंप्रेस करोगे मजबूत नहीं होगा। कंप्रेशन किस पे जाता है, कंप्रेशन लेने का सारा जिम्मा इस रेजिन पे जाता है। पूरे इंटरनेट में जो भी न्यूज फैला हुआ है, कार्बन फाइबर कार्बन फाइबर कार्बन फाइबर, अरे भाई कार्बन फाइबर तो बहुत अच्छी चीज है, मान गया मैं, लेकिन वो किस रेजिन में उसको बनाया गया था, किस कंपाउंड के साथ उसको मिक्स किया गया था, उसकी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी उस पे मेन, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बाहर से प्रेशर आ रहा था। और बाहर से यही कार्बन फाइबर अगर आप टेंशन वाले, जैसे अंदर में अगर आप गैस भर रहे हैं तब तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से बहुत अच्छी है। गैस अंदर भरेगा, सरफेस पर क्रिएट होगा टेंशन, और टेंशन क्रिएट होगा तो सारा टेंशन कार्बन फाइबर ले लेगा। इपॉक्सी भाई साहब शांत बैठे रहेंगे, इपॉक्सी कोई जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ शेप दे दिए, काम खत्म है उनका। लेकिन यहाँ पे इपॉक्सी भाई साहब का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इपॉक्सी ही सारा कंप्रेशन लेना है। हालांकि ठीक है, जो भी टेक्निकल बातें हम कर रहे हैं उन्होंने टेस्टिंग भी की थी, और जहां तक मुझे पता चला है कि टेस्टिंग भी उनका पहले ही फेल हो चुका था, मतलब 4000
देव तक जाने में जो प्रेशर आता है उसके पहले ही उनका जो टेस्ट है वो फेल हो गया था। फिर पता नहीं उसको उन्होंने क्यों भेजा था। तो उन्होंने इसका टेस्टिंग जो किया था 1/3 साइज का उन्होंने मॉडल बनाया और उसको लैब में जिसके लैब में टेस्ट किया था, इम्प्लोजन जो टेस्टिंग किया था वो 29.54 MPa पे इम्प्लोड हो गया था। जबकि अगर हम जब नीचे तक जाएंगे 4000 मीटर नीचे अगर जाएंगे तो कितना आएगा MPa 41.2 MPa। तो उनके जो टेस्ट जो है इसी वैल्यू पे फेल हो गया था 29.5 पे। तो उतना नीचे फिर इस वैल्यू के लिए उसको कैसे किया, या तो दोबारा उन्होंने फिर उसको इम्प्रूव किया होगा, थिकनेस वगैरह कुछ बढ़ाया होगा, बट फर्दर उन्होंने टेस्टिंग नहीं की थी, इसका कोई रिपोर्ट इसका कोई जानकारी मुझे मिला नहीं। तो ये मेन दिक्कत था कि अब मोटा मोटा हम समझे तो कार्बन फाइबर टेंशन में बहुत अच्छा है, इसको टेंसाइल चीज और हल्की चीजों में, इसका जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ वाई वेट वाई स्ट्रेंथ रेशियो काफी अच्छा होता है, तो ऐसे जगह जहां पर वेट मेन ज्यादा कंस्टेंट है वहां यूज करना चाहिए या किया जाता है। जैसे कि एविएशन में हवाई जहाज के बहुत सारे पार्ट कार्बन फाइबर से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हवा में उड़ता है और उसका चैलेंज है कि हम उसका वेट को कितना कम से कम रख सकें। यहाँ पे जो प्रेशर जो है बाहर से जनरेट हो रहा था, अब देखिए स्टील जो कन्वेंशनल सबमर्सिबल या सबमरीन बनता है वो स्टील का बनता है, इन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की लेकिन क्या गलतियां हुई, जितनी गलतियां मैं गिना रहा हूँ इसी में से कुछ ना कुछ एक हुआ है। एक तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का गलती हुआ होगा, इन्होंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कार्बन फाइबर में 3 नहीं लिया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 3 लेना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से इसकी बनाया जाता है चाहे कितना भी मशीन और कुछ भी यूज करें उसमें दिक्कतें रह जाएंगी। इसीलिए कंक्रीट में हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो स्टील और कंक्रीट का कंपोजिट होता है, तो कंक्रीट सिंस ये मिक्सचर होता है 2-3 मटेरियल्स का, इस एग्रीगेट का, सैंड का, सीमेंट का, तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेते हैं और स्टील में कम लेते हैं क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उस पर हमें ज्यादा भरोसा है। कंक्रीट पे कम है क्योंकि कंक्रीट का मिक्सिंग हर जगह अलग अलग सिचुएशन में होता है, अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता है, उसका कोई बहुत ज्यादा वेल मेंटेन कंडीशंस डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन स्टील जो है वो हमेशा किसी अच्छे वेल प्लांट में बनता है जिसकी अच्छी निगरानी होती है, अच्छी सुपरविजन होती है और उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट भी वो पहले से केमिस्ट्री के हिसाब से डिफाइंड होता है। तो वीडियो खत्म करने से पहले थोड़ी सी आपकी और टेक्निकल जानकारी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए वेट के हिसाब से जो स्टील होता है बहुत ज्यादा भारी होता है, 5 times लाइटर होता है कार्बन फाइबर, तो ये इसकी खूबी है कि लाइटर चीजों में हवाई जहाज में इस्तेमाल किया जा सकता है, जाना चाहिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लगभग दोनों का बराबर है, 200 GPa 230 GPa, लेकिन स्टील ये ज्यादा इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रॉन्गर तो कार्बन फाइबर ही है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मोर फ्लेक्सिबल, स्टील मोर फ्लेक्सिबल है, कंपैरेटिवली लेस फ्लेक्सिबल देन स्टील। अब ये टर्म जो है इसको भी थोड़ी सी समझने की जरूरत है, ये तब लिखा है जब इसको इपॉक्सी के साथ मिक्स कर दिया है, अगर इपॉक्सी के साथ मिक्स नहीं करेंगे तो ये जस्ट लाइक ए फैब्रिक, तो फैब्रिक का जो है वो तो और ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन ये जो फाइनल मटेरियल है उसकी बात की जा रही है। उसके बाद ब्रिटलनेस, नॉन ब्रिटल मटेरियल होता है स्टील, ये ब्रिटल मटेरियल होता है। अब यहाँ भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कार्बन फाइबर की वजह से ब्रिटल नहीं है, ये रेजिन की वजह से ब्रिटल है, तो अगर रेजिन में इंप्रूवमेंट कर सके, रेजिन कोई ऐसा हो जिसमें ब्रिटलनेस का जो प्रॉपर्टी हो कम हो, डक्टिलिटी बढ़ जाए, तो फिर कार्बन फाइबर का परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। तो हमें कार्बन फाइबर को दोष ना देके रेजिन को दोष देना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, स्टील में लेस है इसमें हाई है, तो बहुत क्यों हाई है, तो देखिए एक तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी खुद ज्यादा है और वेट जो है 5 गुना ऐसे भी हल्का होता है, 5 times लाइटर होता है। परमिसिबल स्ट्रेस जो है 0.5 GPa है, इसका 3.53 GPa है। अब पता नहीं उन्होंने ये वाला वैल्यू यूज किया था कि क्या यूज किया था डिजाइन में मालूम नहीं है। प्राइस जो है ये 70 रुपए kg है, ये 850 रुपए per kg, तो ये जो कॉस्ट है आपका फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट है जिसमें इपॉक्सी फाइबर, इसको कार्बन फाइबर प्लस इपॉक्सी लिखना चाहिए। तो ये इसका एक मोटा मोटा कंपैरिजन था। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ ऐसा मैंने बताया जो कि आपको जानने लायक था और ये चीजें दिमाग में घुसी होंगी। तो अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है, तो कमेंट जरूर करिए। कुछ और इस पे हम लोग अभी भी फर्दर स्टडी कर रहे हैं और कोशिश करें कि आने वाले डेज में और भी थोड़ा डिटेल टेक्निकल वीडियो इसके बारे में बनाएं और आपको लें। लेकिन अगर आपको सच में ये चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, अच्छा लगा तो शेयर करिए।
और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।